सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। देवजनी सुरेश पाल आपको नमस्कार। मेरी वॉइस क्लियर है आज? वैसे थोड़ा मन नहीं था मेरा पढ़ाने का, पता नहीं क्यों। आई एम नॉट फीलिंग मीन्स हैप्पी, दैट्स वाई। वेल तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ मन जो है, फिर भी मैंने सोचा यार बच्चे इंतज़ार करेंगे, सोचेंगे पता नहीं सर क्यों नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए मैंने तो पढ़ा दूँ। वैसे मन था कि आज चुपचाप बैठूँगा, लेटूँगा, आपसे बातें करता हूँ। चलिए खैर, रिवीजन करा दूँ, थोड़ी देर पढ़ा दूँ, आपका भी मन लग जाए। आज कुछ डिहाइड्रेट कर गई बॉडी, मीन्स गर्मी बहुत ज़्यादा थी कॉलेज में, दैट्स व्हाई, दिस इज द रीज़न। चलिए खैर, अब आप आ गए हैं तो आपसे बातें करेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अदरवाइज तो मन नहीं था मेरा, अभी भी लग रहा है कि चुपचाप बैठो। चलो यार ठीक है। देवजनी क्या मन कर रहा है आपका? आपका तो खैर परीक्षा है, अब आपका तो पूरा ही मन करेगा। अब आपका तो पूरा मन करेगा, मेरा नहीं कर रहा है। आज रेस्ट करने का मन कर रहा है, थोड़ी देर पढ़ा दूँ, आधा पौन घंटा पढ़ा देता हूँ, लग रहा है बस चुपचाप लेट जाऊँ। अदरवाइज तो चलो ठीक है। चलिए कुछ बातें आपको बता देता हूँ। कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई सही हो जाएगी, आप बेफिक्र रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हम लोगों ने बात की थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चल रहे थे, थोड़ा कम आज लूँगा क्लास, ज़्यादा नहीं लूँगा लंबी क्लास, क्योंकि आई एम नॉट, बोला कि मुझे अच्छा फीलिंग नहीं आ रही, फील अच्छा नहीं आ रहा है। एक होता ना फीलिंग मस्त आती है ना, वो चीज़ नहीं आ रही, और कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कि आज, अरे यार ला गया भाई। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले तो जो मैं आपको बातें बताता चल रहा हूँ उन पे जरा फोकस करते रहेंगे तो मुझे लगता है, देखो एक तो IUPAC नियम का ध्यान रखना, नंबर वन। अब IUPAC नेम में, अगर IUPAC नेम कहो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं सब चीज़ें, बिहार वाले और झारखंड दोनों लोग ध्यान दें इस बात पर, दोनों लोग ध्यान दें इस बात पर कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड IUPAC नेम जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे इस कैटेगरी के IUPAC नेम जरूर याद रखिएगा, जो आपको दिक्कत में डाल सकते हैं, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी दिक्कत तो आपको क्या आएगी वो मैं नहीं मानता कि दिक्कत आ पाएगी, लेकिन हाँ इतना मानता हूँ कि टाइम ये ख़राब कर ले जाएंगे आपका 100%। इस तरीके से मान लीजिए एक IUPAC ये आ गया, अब इसका नाम लिखिएगा आप आराम से, है ना, यहाँ पर ME का मतलब है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इस कैटागरी के कोई IUPAC नेम आपके सामने आ गए, है ना, इसी कैटागरी के आ गए, या फिर मान लीजिए कोई थोड़ा सा तिरछा नाम ऐसे बना दिया, यहाँ पर हमने CH3 ले लिया, यहाँ पर भी हमने CH3 ले लिया, यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ पर C, फिर यहाँ पर एक H लगा दिया, फिर यहाँ पर एक C लिया, यहाँ पर भी एक C लिया, इसको COOH में कन्वर्ट कर दिया और इसे CH3 में, इस तरीके के IUPAC नाम परेशान कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इस तरीके के भी कुछ IUPAC नाम आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए, हालांकि इनकी उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी आप लोग इस तरीके के नाम भी आप पढ़ के चलिएगा, इस तरीके से फोर्थ पर आ जाइएगा, ये नाम भी आप पढ़ सकते हो, ये नाम भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। और एक नाम और बोल रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से कर लेना, ठीक, इस तरीके का नाम भी आप करके जाइएगा। तो ऐसे कुछ नाम, अब नाम मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं, आप कोशिश तो कर ही लेंगे। इसी के
साथ ही आपको आइसोमेरिज्म तो बहुत ही ध्यान देना है, आइसोमेरिज्म आपको कस के ध्यान देना है। अब आइसोमेरिज्म में सर आप बताओगे क्या ध्यान दें, तो आइसोमेरिज्म में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए इनके नाम तो आपको ऑलरेडी पता होंगे, मुझे शायद बताने की वनीश जी जरूरत नहीं है, वनीश जी जरूरत नहीं है, बाकी लोगों को। आइसोमेरिज्म में मेनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल में एक आर एस सिस्टम को बिल्कुल रट के जाइएगा, आर एस सिस्टम को रट के जाइएगा, फिर बोल रहा हूँ आर एस सिस्टम को रट के जाइएगा, है ना, 100%। और एक ईजेड सिस्टम को पढ़ करके जाइएगा, ईजेड सिस्टम को पढ़ करके जाइएगा। बिंदु कुमारी मेरी एक एक बात नोट कर लेना, पेपर दे करके आओगी तो अनुज सर को जरूर याद करूँगी, ये तय है, ठीक है, वो चाहे कैसे भी करो याद तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो एक आर एस सिस्टम और ईजेड सिस्टम आपको पता है, एंटी गीगन और ज्यूसामैन, ठीक है, वो आपका रेक्टस हो गया, सिनिस्टर हो गया, ये दोनों आपको अच्छे से पता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा इन पर आप जरूर कोशिश करिएगा, हैं, पढ़ लीजिएगा। जितने भी झारखंड वाले और बिहार वाले लोग हैं वो लोग 100% इसको पढ़ करके ही जाइएगा, बिना पढ़े पेपर देने मत जाना, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा, मजाक बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं करने के मूड में हो, है ना, नहीं सोचो कि सर कहीं ऐसे ही कह रहे हो, तो ध्यान देना इस बात पर। इसके बाद इसी आइसोमेरिज्म में एक काम और कर लीजिएगा, एक काम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कर लीजिएगा, वो ये हो सकता है कि आपसे सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म यहाँ पर थर्ड नंबर ना डाल करके मैं यहीं पर लिख देता हूँ, सिस और ट्रांस के एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम्पल पूछ लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए, अगर जैसे मैं ई और जेड का भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर बना देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन ही बना देता हूँ, पिकअप ई आइसोमर ऐसे ही पूछ लिया, मान लो सपोज कर लो पिकअप ई आइसोमर, यहाँ पर ई आइसोमर पूछा है, अब ई आइसोमर पिकअप करना है, तो बताइएगा इसमें से कौन सा आइसोमर जो है वो ई है, कौन सा आइसोमर ई है, मुझे बताइएगा। ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर एक, कल से मैं क्वेश्चन फिर थोड़े से कराऊंगा, बाजी केवल रिवीजन कराना है, ज़्यादा नहीं, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूँ, मैं सोच रहा हूँ डेली कराऊंगा तो सही रहेगा, रात में ही प्रैक्टिस सही रहेगी, क्योंकि अब बाकी लोग भी रात में ही अवेलेबल हो पाते, तो कल से अब लगातार प्रैक्टिस ही चलेगी, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे तो रिकॉर्डिंग में मैं डालता रहूँगा, आप बेफिक्र रहिए। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में जाकर के चेक कर लिया करिएगा, अगर कोई नई वीडियो पड़ेगी तो आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। जितने भी टॉपिक हैं वो सभी मैं डाल दूंगा इसमें, आपके इम्पोर्टेंट वाले कॉलम में, ये इस तरीके का है। और सी पार्ट में चले जाइएगा, सी पार्ट में जैसे कि मुझे कुछ चीज़ लगेगी कि ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वाले में डाल दूंगा, डेली रिवीजन आपका अब चलेगा, बाकी कोई काम नहीं होना है, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आपको हमारे पूरा सहयोग करना पड़ेगा, जो यूपी वाले लोग हैं वो कम से कम इस बात का विशेष ध्यान दें कि इनका थोड़ा सा सहयोग इस मंथ कर दीजिए, 10 सितंबर के बाद हम आपके ऊपर पूरा ध्यान देंगे, अभी 10 सितंबर तक हमें इन पर ध्यान देना है, दो साथियों पर, एक बिहार वालों पर, एक झारखंड, 26 अगस्त के बाद बिहार वाले तो बिल्कुल मान के चलिए कि इनका तो निर्णय हो जाएगा, और बिहार में जितने भी बच्चे हैं इनका सबका सिलेक्शन होगा, मुझे भरोसा है। इस क्वेश्चन में ई आइसोमर को पिकअप करना है, बताइए इसमें से ई कौन सा है, ई आइसोमर कौन सा है, विच वन इज ई आइसोमर, इसमें से ई आइसोमर कौन सा है, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए आराम से। ये हमारा हायर ग्रुप है, ये लोअर हो गया, ये आपका हायर ग्रुप हो गया, और ये आपका हो गया लोअर ग्रुप, तो ये हो गया आपका, ठीक, ये हो गया लोअर, ये हायर, ये आपका CH2 है, यहाँ CL जुड़े हैं, तो ये आपका लोअर, ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, ये हायर हो गया, ये लोअर, ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, बाकी ये सब जेड फॉर्म है, ये आपका ई फॉर्म हो गया,
ये जेड फॉर्म है, ये भी जेड फॉर्म है, ये भी जेड फॉर्म है, ऐसा क्वेश्चन भी संभावित है कि आपको मिल जाए एग्जामिनेशन में। तो प्यारे देवी देवताओं, सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, इतना बात मुझे बतानी थी कि आपको अब अगर आपको आइसोमेरिज्म के बाद भी कुछ याद रखना है तो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में आप लोग इस बात का ध्यान देना, कन्फर्मेशन में एक तो ऑर्डर आ सकता है, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में अगर आप नोटिस कर पाओ मेरी बात को तो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में बच्चा ऑर्डर आ सकता है। ऑर्डर का मतलब अरेंजमेंट, ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर अरेंजमेंट आ सकता है। और ये अरेंजमेंट किस किस का आ सकता है, देखिए बेसिक में खाली टॉपिक बता के नहीं छोड़ रहा हूँ, डिटेल में आपसे बात कर रहा हूँ देवजनी। जैसे कि सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन में आ सकता है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन कॉमा साइक्लो स्टेबिलिटी का ऑर्डर मान लीजिए पूछ लिया, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन और उसके बाद साइक्लोप्रोपेन, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जा सकता है, नंबर एक। नंबर दो, बोट और चेयर फॉर्म में, बोट और चेयर, चेयर और बोट फॉर्म में, बोट फॉर्म में स्टेबिलिटी पूछी जा सकती है, स्टेबिलिटी जो पूछी जा सकती है। और दूसरी चीज यहाँ पर यानी एक्सियल हाइड्रोजन, एक्सियल हाइड्रोजन कितने होते हैं और कहाँ होते हैं, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहाँ और कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आप ध्यान से जरूर कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा, है ना। इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना किसी कीमत पर भी नहीं है, ठीक है। ये तो कन्फर्मेशन में ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, गॉची और गॉची फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, इस पर भी थोड़ा फोकस करके जाइएगा, उससे पहले नहीं जाइएगा, है। एग्जाम में कुछ बता रहा हूँ, चार्ज कॉम्प्लेक्स मैंने बता ही दिया है आपको, बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, अब आपको मैकेनिज्म में क्या फोकस करना है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है, मैकेनिज्म। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैकेनिज्म को फोकस करना है, जरा ध्यान दो, मैकेनिज्म को फोकस करना है आपको। मैकेनिज्म में क्या फोकस करेंगे, इस चीज़ का निर्णय भी आपको ले लेना है, इस चीज़ का निर्णय भी आपको लेना है। अब देखिए क्या है, नंबर वन, सबसे पहले ऑर्डर याद करना है, स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कार्बोकैटायन, यहाँ पर लिख देता हूँ कार्बोनियम आयन, लिख देता हूँ कार्बोनियम आयन, साथ में ही यहाँ दूसरा लगाता हूँ कार्ब एनायन, कार्ब एनायन लगा देता हूँ, उसके बाद तीसरा यहाँ पर लगा देता हूँ इफेक्ट, यानी कि फुल चैप्टर यहाँ पर मैं कोई चीज छोड़ नहीं सकता हूँ, मजबूरी है। एक तो कार्बीन पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आया भी था, नाइट्रीन भी आ सकता है, नाइट्रीन भी आ सकता है, तो कार्बीन नाइट्रीन पे तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट लगा ही लो, क्यों देवजनी सही बोल रहा हूँ। और इनके लिए ऑर्डर, जैसे यहाँ पर डिग्री में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिनाइल वाला, बेंजाइल वाला, उसके बाद ट्राई फिनाइल वाला, ये सब ऑर्डर आप आराम से बढ़िया से दोनों के केस में याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार हाँ और ना बोलो तो मुझे भी समझ में आएगा आप जिंदा हो। इसके बाद आ जाइए फोर्थ पोजीशन पर, यानी कि फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट आपको अगर कहा जाए कि क्या और पढ़ना है तो मैं आपको बताऊंगा SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म पर फोकस करें। फिफ्थ पॉइंट में मेरे हिसाब से आप E1 और E2 मैकेनिज्म पर भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। और यहीं पर एक चीज और भी आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल भी पूछा गया है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पर भी क्वेश्चन, ये फिलहाल चैप्टर तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल भी अभी पिछले साल आया था
और इलेक्ट्रोफाइल भी, मतलब यहाँ मैं कोई चीज़ छोड़ने की सलाह आपको नहीं दूंगा। मैं याद जरूर दिलाऊंगा कि आपको ये पढ़ के जाना, और लास्ट में बीटा एलिमिनेशन जरूर पढ़ लेना। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा इसी में, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस के एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना। हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, रेजोनेंस इन दोनों के एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म मैंने पूरी डिटेल में SN1 SN2 फुल डिटेल में पढ़ाई है, डिटेल में पढ़ाई है। SN1 SN2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जाएगी, और इसको एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने पढ़ाया। अगर आप कायदे से वीडियो वीडियो देखें तो मुझे समझ, देख लो SN1 SN2। अगर आप रोहित कह रहे हो तो मैं बता देता हूँ। SN1 रिएक्शन का मतलब होता है जो 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड, जो 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN1 रिएक्शन को अंजाम देते हैं। अब SN1 रिएक्शन में अगर आप नोटिस करो, पिछली बार क्वेश्चन था और बिहार वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, CH3 लिया मैंने, यहाँ पर X लिया, तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इसको लीव कर देगा। ये स्टेप थोड़ी स्लो होगी, ये स्टेप स्लो स्टेप मानी जाती है, तो यहाँ मैं स्लो स्टेप लिख देता हूँ। और यहाँ CH3 बनेगा, यहाँ CH3 बनेगा, यहाँ CH3, यहाँ पर C पॉजिटिव और X निगेटिव बन जाएगा। अब इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ C पॉजिटिव है और यहाँ पर आपका OH निगेटिव। जब अटैक करेगा तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3 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 COH। यहाँ पर ये फास्ट स्टेप है, ऊपर वाली स्लो है। रेट हमेशा स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जब डिपेंड करेगा रेट, तो इसका मतलब हुआ केवल एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, मतलब SN1 हो गया। SN1 रिएक्शन 3 डिग्री सबसे बढ़िया शो करते हैं, 2 डिग्री उससे कम शो करते हैं, 3 डिग्री 1 डिग्री उससे कम को शो करते हैं। ये इनका ऑर्डर रहता है। इसकी फुल डिटेल को अगर आपको देखना पड़े तो रोहित जी आप वीडियोज़ में जा करके देखिएगा, मैंने पढ़ाया है। SN2 की बात कर लेता हूँ, तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ज़्यादा शो करते हैं, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ज़्यादा शो करते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो एच लिया मैंने, ये इस तरीके से एच लिया, इस तरीके से एच लिया, यहाँ पर मैंने BR आपको मैंने बताई थी, बड़ा अच्छे ढंग से भी समझाई थी। ये OH न्यूक्लियोफाइल जाएगा, इस पर अटैक कर देगा बैक साइड से, इस पर बैक साइड से अटैक करता है। आपको मैंने दिखाया था कि भैया एक मैंने वीडियो भी बना दी थी, आपको याद होगा कि ज्योति मोरिया पे बना दी थी मैंने वीडियो, यार है ना, देखा होगा तुमने, शॉर्ट में पड़ी हुई है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट, ये स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, और ये स्लो स्टेप ट्रांजिशन स्टेप होती है ना। तो यहाँ पर ट्रांजिशन प्रोडक्ट बनेगा, एच यहाँ एच यहाँ एच यहाँ, और यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर OH जुड़ना चाहता है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर BR लगना चाहता है, हटना चाहता है। इसके बाद फास्ट स्टेप होगी, और फास्ट स्टेप के बाद इसमें इन्वर्जन हो जाता है। आपको पता, ऊपर केवल रिटेंशन था और इन्वर्जन, यहाँ पर केवल और केवल इन्वर्जन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको OH लगा लेना पड़ेगा। ये छाता जैसे नहीं आंधी में पलट जाता है, वो कंडीशन बन जाती है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट ना ही लगाऊँ तो ठीक है। तो यहाँ OH हो गया, और साथ में ये बन गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी बताता हूँ आपको कि SN1, तो रेट यहाँ कितने पर डिपेंड किया, रेट डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड के ऊपर, 1 डिग्री के एल्काइल हैलाइड पर, और साथ में ही डिपेंड कर रहा है OH नेगेटिव आयन पर, दो पर रिएक्टेंट पर रेट डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये SN1 SN2 आपके पूरे फुल नोट्स में है, आप आराम से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये ध्यान देने वाली है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और दूसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक खास बात और भी आपको ध्यान देना है, इनोलेट्स पर एक क्वेश्चन आया, मैंने फुल वीडियो इनोलेट की डाल दी है, उसको आप आराम से देख लीजिएगा। इनोलेट्स में आपको मैलोनिक एस्टर,
है ना, इनोलेट्स में अगर आप चाहोगे तो मेलोनिक एस्टर पे थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, यानी मेलोनेट, डाइथाइल मेलोनेट और मेलोनिक एस्टर दोनों जिसे आप नाम देते हैं, और एक इथाइल एसिटो एसिटेट भी नाम देते हैं, दोनों कंपाउंड मैंने पढ़ाए हैं। ये सॉरी 1 डिग्री एल्कोहल है ना, ठीक है, ये 1 डिग्री का एल्कोहल यहाँ पर बनेगा। ठीक, चलिए। तो अब यहाँ पर क्या कहता हूँ मैं आपसे कि अगर इनोलेट्स में जाओगे तो एक तो आपको मेलोनिक एस्टर पढ़ना पड़ेगा। मेलोनिक एस्टर ये मैंने पूरा रिएक्शन के साथ में समझाया हुआ है, और यह यहाँ पर इथाइल मेलोन यानी एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर, एस्टर, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक, इस चीज का। और यहाँ पर इनके जो रिएक्शंस हैं उन पर फोकस करना, रिएक्शंस विद मैकेनिज्म पर फोकस करिएगा, वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा, वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा 101%। 2 क्वेश्चन की उम्मीद मैं यहाँ से करके चलूंगा कि आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा मेलोनेट यानी इनोलेट आयन से। ठीक है, इसी के साथ में अगर मैं आपसे कहूँ कि कार्बोहाइड्रेट और पॉलीमर में चले जाइए, पहले एक चीज़ और भी जान लो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी देख लो। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, ऑर्गेनोमेटेलिक अगर कंपाउंड आप उठाते हो तो इसमें एक तो गिलमैंस रिएजेंट इस बार आने की उम्मीद है। क्या आने की उम्मीद है? गिलमैंस रिएजेंट आने की उम्मीद है, एक तो ये आ सकता है। दूसरा, गिलमैन के साथ में ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन आपकी एल्कोहल वाली आ सकती है, एल्कोहल वाली आ सकती है। दूसरी रिएक्शन अगर आप चाहोगे तो एल्डिहाइड की, तीनों रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की, तीनों रिएक्शन तो इम्पोर्टेंट हैं ही, और साथ में एस्टर से रिएक्शन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एस्टर से रिएक्शन नोट करते जा रहे हो, एस्टर से रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी जरा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरी चीज आपको इसी में ऑर्गेनोमेटेलिक में, और बाकी लिथियम कॉपर के कुछ इनका इसमें अगर कोई कैटलिस्ट आपको समझ में आ जाए तो वो कैटलिस्ट या किसी का यूज समझ में आ जा लगता है, तो मेरे हिसाब से अगर देखना चाहो तो आप देख लेना, यूजेस देख लेना, यूजेस मेनली देख ही लेना बस, बाकी और ज्यादा परेशान इसमें मत होइएगा। इसके बाद चले आइएगा कार्बोहाइड्रेट और पॉलीमर्स पर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड पॉलीमर्स, ये बता दे रहा हूँ आज, कल से अपना डेली प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है, अब चैप्टर वाइज नहीं चलेगी, अब फुल पेपर कोई भी लेकर के बैठूंगा, डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी आपकी, डेली 50 दिन। जय हिंद नीलम राणा जी। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, डेली आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में रहेंगे, और उन डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में वो सभी तरीके के क्वेश्चंस होंगे, इसलिए आप बने रहिएगा डेली। ठीक है, कोई भी 50 क्वेश्चन उठाऊंगा और स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, अब ये नहीं कि सर चैप्टर वाइज कराइए, अब समय नहीं रह गया है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स में देखिए, यहाँ तो एक तो ग्लूकोज के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज के साइक्लिक पढ़ लेना बस। और पॉलीमर्स में मैं आपको बता देता हूँ, एक तो नेचुरल रबर पढ़ लेना, नेचुरल रबर पढ़ लीजिएगा, नेचुरल रबर। दूसरा पढ़ लीजिएगा आप सेकेंड वाला, इसमें जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो होते हैं इनको जरूर नोटिस कर लेना। और उसके बाद नायलॉन 6, एक तो नायलॉन के दोनों ही पढ़ लेना, डेक्रॉन देख लेना, नायलॉन डेक्रॉन, स्टायरीन देख लेना, स्टायरीन, और एक बेकेलाइट देख लेना आप, बेकेलाइट, और एक बेकेलाइट एक बार टेफ्लॉन भी देखिएगा, टेफ्लॉन। और दूसरी चीज ये मैकेनिज्म इनकी जरूर देखना, मैकेनिज्म यानी कि मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूँ तो मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जरूर पढ़िएगा। मैकेनिज्म में कौन सी मैकेनिज्म पढ़नी है आपको? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, नाम के साथ बता रहा हूँ,
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, नोट कर लो इसे कहीं पर, नोट कर लो इसे कहीं पर, है बहुत इम्पोर्टेंट। झारखंड वाले ही नोट करें, बाकी लोग परेशान करते ही ना हो। कारण ये कि झारखंड के लिए ही और बिहार वालों के लिए, झारखंड और बिहार वाले ही लोग नोट करें, बाकी लोग नोट अभी ना करें, यूपी वाले नोट ना करें, तो उनको बहुत जरूरत अभी इसकी नहीं पड़ेगी। उनके बारे में भी बात की जाएगी जब उनकी परीक्षा पास में आएगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन चले आइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखिएगा। एल्केन में, एल्केन में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ नेम रिएक्शंस को पढ़ना, नेम रिएक्शंस को पढ़ना और रिएक्टिविटी पढ़ना, बस नेम रिएक्शंस और रिएक्टिविटी पर फोकस करिएगा। साइक्लो, साइक्लो एल्केन में केवल मैं आपको फिर एक सलाह दे दूंगा कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ लेना केवल, अगर आता है क्वेश्चन तो आ सकता है। बेयर्स स्ट्रेन, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी पर क्वेश्चन आ सकता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये, मतलब हल्के में ना लेके चले जाना इसे। बोले अनुज सर तो यार ऐसे ही बताते ही रहते हैं, क्योंकि इनका काम ही बताना है। एल्कीन में चले आइएगा, एल्कीन में शिवानी हैप्पी बर्थडे विद माय ऑल विशेस टू यू एंड आई प्रे टू गॉड यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द कमिंग ईयर्स। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, और ईश्वर से ये भी कामना करूँगा कि आप जिस उद्देश्य में लगी हों वो उद्देश्य भी आपका सफल हो, आपके माँ बाप का रोशन नाम रोशन हो, आपके टीचर्स का नाम रोशन हो, और आप दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ें, पीछे पलट कर जिंदगी में कभी ना देखें, खुशियाँ आपकी झोली में अपार गिरें आकर। अब इसी बात पर केक जो है भेज दो मुझे खा लूं। एल्कीन जो है वो क्या कह रहा है, एल्कीन में आपको मैं बताऊं, एक तो मैकेनिज्म बहुत फोकस करेगी, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म फोकस करेगी, मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है, फोकस नहीं करेगी इस पे, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है मैकेनिज्म इसको, मतलब चाहे वो किसी भी कैटागरी की मैकेनिज्म हो, फिलहाल अगर वो एल्कीन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मैकेनिज्म छोड़िएगा नहीं, पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मार्कोनी कॉफ रूल में आ जाओ, खैरस इफेक्ट आ जाओ, हाइड्रोबोरेशन इपोक, मतलब फुल कतई एल्कीन को चार्ट लेना कस के, ठीक है, जिसमें खासकर खासकर मार्कोनी, मार्कोवनी, एंटी मार्कोवनी, एंटी मार्कोवनी, ठीक, और मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, एक ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये सब चीज़ें छोड़ना नहीं आपको, ठीक है, बिल्कुल कहीं सेट जफ रूल है इसको नहीं छोड़ना है, है ना। उसके बाद आपको रिएक्टिविटी है, डिहाइड्रेशन है, ये कतई नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर, डिहाइड्रेशन कतई नहीं छोड़िएगा, डिहाइड्रेशन पर फुल फोकस रखिएगा, ठीक है, इसका कोई भी कंसेप्ट आ सकता है। और सेट जफ रूल कतई नहीं छोड़ना है आपको किसी भी कीमत पर, सेट जफ रूल, मतलब ये मेन मेन टॉपिक है जिनको मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, तो इसलिए नहीं रिमाइंड करा रहा हूँ कि छोड़ के चले आना, है ना। उसके बाद एलाइलिक विनाइलिक ये सब कतई रट लेना, है ना, रट लेना, छोड़ना मत। एलाइलिक, एलाइलिक और विनाइलिक कंडीशन भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एल्काइन में चलिए, तो एसिडिक ऑर्डर पढ़ लेना बस, अगर एल्काइन में आपको पढ़ना है तो एल्काइन में मेरे हिसाब से आपको एसिडिक ऑर्डर पढ़ लेना चाहिए, एसिडिक ऑर्डर आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और यहाँ पर सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स की मैकेनिज्म और देख लेना अगर आप चाहो तो, एरोमेटिक में, तो मतलब एल्काइन में केवल एसिडिक ऑर्डर को ज़्यादा फोकस करिएगा। और मेरे हिसाब से एक चीज़ और पढ़ लेना, रिएक्शन विद, रिएक्शन विद अमोनिकल, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट
और साथ ही अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन जरूर पड़ेगा। अगर एरीन्स में आ जाते हैं, एरीन्स में आ जाते हैं तो एरीन्स में मेरे हिसाब से जो पढ़ना चाहिए आपको वो एक तो ये है कि एरोमेटिसिटी बिल्कुल पढ़ ही लेना, हकल ओकल रूल सब एरोमेटिसिटी पढ़ लेना, इसमें मेन है हकल रूल, हकल्स रूल पढ़ लीजिएगा ठीक, इसे नहीं छोड़ना किसी भी कीमत पर। और दूसरी चीज़ है एरोमेटिक कंपाउंड में एक तो आर्थो पैरा डायरेक्शन, आर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जरूर पढ़ लीजिएगा, इन्फ्लुएंस जरूर पढ़ लीजिएगा है ना। इसमें नाइट्रेशन भी पूछा भी गया था तो मुझे लगता है कि नाइट्रेशन सल्फोनेशन दोनों पढ़ लेने चाहिए आपको, नाइट्रेशन सल्फोनेशन दोनों पढ़ लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए है ना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को भी फोकस करना पड़ेगा आपको, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को भी फोकस करना चाहिए। इतनी चीज़ें हैं इसमें जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी और बाकी तो आपको पता ही, आर्थो पैरा मेटा कहाँ रिएक्शन होगी कौन सी होगी। कुछ रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट हैं उन पर, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस कैसी पढ़नी चाहिए वो देखिएगा ध्यान से। देखिए आपको बताएं, इम्पोर्टेंट रिएक्शन में एक तो नंबर वन आपको मानिक रिएक्शन जरूर पढ़नी चाहिए, मानिक रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर टू आपको मानिक के बाद एक कैनिजारो जरूर पढ़नी चाहिए, कैनिजारोज जरूर पढ़नी चाहिए, मतलब मैकेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पर, वैसे तो आपको पता ही होगी ठीक है। चलिए तो उसके बाद थर्ड पे आ जाता हूँ, इसके बाद आप पिनाकोल, हाँ पिनाकोल और पिनाकोलोन ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, आ सकती कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लग रही मुझे, इसलिए मैं लगातार इस पर फोकस कर रहा हूँ ठीक है। इतनी और एक रिफॉर्मेट्स की चार रिएक्शन पढ़ लेना, मुझे उम्मीद है इनमें से मिल जाएंगे रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन ठीक। एक तो इतना पढ़ लीजिएगा और अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखो तो स्पेक्ट्रो में बच्चा आपको क्या पढ़ना चाहिए, एक तो एनएमआर सिग्नल निकाला ही जाएगा 100% एक क्वेश्चन एक या दो आ सकते हैं। उसके बाद यूवी के आपसे मतलब अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर वुडवर्ड रूल पूछा जा सकता है, वो आईआर में वुडवर्ड तो खैर आईआर में है, आईआर में वुडवर्ड पहले जो याद आ गया वो लिख देता हूँ, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वुडवर्ड, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वुडवर्ड रूल आप याद रखना, वुडवर्ड रूल याद करिएगा, इसको जरूर पढ़ लेना ध्यान से। और मास और ईएसआर के एग्जांपल, मास और ईएसआर के एग्जांपल छोड़ना मत किसी कीमत पर, इन दोनों के एग्जांपल याद करना है, एग्जांपल और यूवी के अंदर फंक्शनल ग्रुप की कंडीशन याद कर लेना, फंक्शनल ग्रुप की कंडीशंस ठीक है, ये याद करिएगा। नीलम आपको नहीं पढ़ना, मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, मैं इस समय पूरी फोकस झारखंड पे कर रहा हूँ, यूपी से रिलेटेड कोई बात इस समय नहीं कर रहा हूँ, आप शायद मेरी बात को ध्यान से सुन नहीं रहे। उसके बाद फोटो केमिस्ट्री पर चले आइए तो फोटो केमिस्ट्री में एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसमें वही फॉस्फोरिसेंस फ्लोरिसेंस ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनमें कितने टाइप के ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, जेवरोनिस की डायग्राम भी आप पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में ही जेवरोनिस की
डायग्राम भी आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। ये तो मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जो मुझे समझ में आई, ठीक है। और अगर इसमें कुछ चीज़ आपको लगता हो कि सर ने छोड़ दी है, जैसे जैसे कि एक सी ओ, एक सी ओ के एग्जाम्पल भी मेरे हिसाब से देख लीजिएगा। मैकेनिज्म में मैंने आपको बता ही दिया है कौन कौन सी देखनी। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस अगर देखना चाहूँ तो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के एग्जाम्पल देखना आप, एग्जाम्पल हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के एग्जाम्पल आप देख लेना प्रवेश जी। इनमें केवल एग्जाम्पल आए हैं, तीन तीन चार चार क्वेश्चन आए हैं, तो एग्जाम्पल में भी कौन किससे रिएक्शन कर लेगा, कौन किससे रिएक्शन करेगा, कौन किससे रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये चीज भी ध्यान दीजिए, ठीक, कोई बात नहीं दीक्षा। तो बाकी तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ नहीं आज पढ़ाना है मुझे, क्योंकि कल से ही स्टार्ट होगा दीक्षा, इसलिए आप परेशान ना होइए कि लेट हुआ। कोई कुछ लेट नहीं हुआ, आपके मतलब की कोई बात भी नहीं हुई आज, मतलब यूपी वालों को कोई बहुत खास बात नहीं हुई। तो झारखंड में आप लोगों को मैक्सिमम जो मैंने बताई हैं चीज़ें इनको पढ़ लीजिएगा, और कुछ चार पांच क्वेश्चन जो है मैं कराए दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आज मैंने आपको बोला ही है कि बहुत ज़्यादा मेरा मन जो है आज नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी चलिए पानी पी लो एक गिलास, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, चार या पांच क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपको भी लगेगा कि यार कुछ तो किया, नहीं तो खाली सर बातें करके चले गए। मुझे बताइएगा ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा, कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन नंबर वन, इसमें कॉन्फ़िगरेशन बताइएगा कौन सा है। सी यहाँ पे लेता हूँ, सी डबल ओ एच यहाँ लिया, एच मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, उसके बाद सी एस थ्री मैंने ये लगाया हुआ है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है कौन सा है। ये सी एच थ्री लगाया है मैंने, और यहाँ पर मैंने OH ग्रुप लगाया हुआ जी, बताइएगा। हाइड्रोजन को डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए अगर आपको लगता है, बताइए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से है जी। इसमें कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है जी, बोले जल्दीबाजी ना करिए, इसमें सबसे नंबर वन इसे दोगे आप, नंबर टू इसे दोगे, और नंबर थ्री इसे दोगे, नंबर फोर इसे दोगे। ये एस कॉन्फ़िगरेशन है, ये एस कॉन्फ़िगरेशन है। ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। प्रियोरिटी में सबसे नंबर वन पे OH, उसके बाद सी डबल ओ एच, उसके बाद सी एच थ्री, और उसके बाद हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। बताइएगा इसमें से ये सिस्टम कौन सा है, सी डबल ओ एच, ठीक है, सी डबल ओ एच, यहाँ पर यहाँ सी एल ले लेते हैं, यहाँ पर एच ले लेते हैं, और यहाँ सी एस थ्री ले लेते हैं। बताइए जल्दी से,
एस है ना, चलो ठीक है। ये कन्फिग्रेशन यानी कि वन नंबर इसे देना है, टू इसे देना है, थ्री इसे देना है, फोर इसे देना है, मतलब ये पूरा कन्फिग्रेशन हो गया आपका एस। ठीक है, एस कन्फिग्रेशन हो गया, वेरी गुड नाइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए। ऐसे करके करा दे रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, आप पूछ लीजिएगा तो मुझे थोड़ा सा लिखना कम पड़ेगा, और कोई बात नहीं, और अदरवाइज पूरा लिखूंगा तो एक ही लिख पाऊंगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जी बताइए इसमें कौन सा सिस्टम है, नाम बताइए, आईयूपीएससी नेम बताइए, विच आईयूपीएससी नेम, आईयूपीएससी, आईयूपीएससी इसका क्या होगा? व्हाट इज द आईयूपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, जल्दी बोलिए, आप ही लोग बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताने वाला। बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो हो गया, टू टू टू, ठीक, और आपका एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ऑक्टेन हो गया, एक दो छ, दो ऑक्टेन हो जाएगा। बाईसाइक्लो टू टू ऑक्टेन आएगा ये, देखो कार्बन टोटल गिने जाते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, क्वेश्चन नंबर चार पर आ जाइए, इसके बारे में भी बताइएगा। कार्बोकैटायन बना रहा हूँ, सी एस थ्री सी एच थ्री सी एच टू पॉजिटिव इज स्टेबलाइज्ड बाय, इज स्टेबलाइज्ड बाय नंबर वन ए ऑप्शन है हाइड्राइड शिफ्ट, बी ऑप्शन है मिथाइल शिफ्ट, और सी ऑप्शन है एच पॉजिटिव शिफ्ट, डी ऑप्शन है मिथाइल शिफ्ट, मतलब कार्बोनियम आयन की शिफ्ट। कौन सा बार आएगा आंसर बताइए, बी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है, बी ऑप्शन ही आएगा 100%, ठीक, मिथाइल शिफ्ट ही होगा, मिथाइल प्लस नहीं, मिथाइल ऊपर वाला बी नेगेटिव। ठीक है, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर पांच क्या है, क्वेश्चन नंबर पांच, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्रोलीन मे बी रिटन एज, पहला CH2 डबल बॉन्ड CH,
सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड ओ, दूसरा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड ओ, तीसरा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड ओ, चौथा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब इस पर चार्ज लगा लेते हैं, पार्शियल निगेटिव यहाँ लगाऊंगा, पार्शियल निगेटिव यहाँ लगा देता हूँ और पार्शियल पॉजिटिव लगा देता हूँ इस वाले पर, दूसरे वाले में पार्शियल निगेटिव यहाँ लगा देता हूँ, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ लगा देता हूँ। इसके बाद पार्शियल नेगेटिव यहाँ, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ, पार्शियल नेगेटिव यहाँ, बताइए कौन सा आंसर होगा। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्रोलीन में भी रिटेन है, भाई ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये ट्रांसफर करता चला जाएगा तो लास्ट में यही आएगा, तो इसका मतलब कि ये आंसर जो है वो डी ही एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल डी ही एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें। अगर आप इसके बाद भी बोले नहीं सर ये सब ऐसी बातें आप बता रहे हो बेकार, इनका कोई मतलब नहीं है, तो फिर दिल थाम के बैठे रहिए, बाद में काम आएगा। दिल है कि मानता नहीं, और पीजीटी क्या होता है ये जानता नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, क्या कहता है, एक रिएक्शन आपके सामने दे रहा हूँ, ये वो सॉल्वेंट है जिसमें सब कुछ घुल जाता है, ये वो सॉल्वेंट है जिसमें सब कुछ घुल जाता है, पोलर नॉन पोलर की बात छोड़ दो, इसमें मिलकर तो केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन बन जाता है, इसने न जाने कितनों की जिंदगी बना दी, इसने न जाने कितनों की जिंदगी बना दी, सभी न मिलने वाले थे सॉल्यूट उनको भी घोलकर उनकी जिंदगी बना दी, ये सबको तो मिलाता है लेकिन खुद ढाई अक्षर में समेट जाता है, बताओ ऐसे सॉल्वेंट का नाम क्या है। में एक्स आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा जी बताइए। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए। देखिए जब जब भी मरकरी लगता है डाइल्यूट H2SO4 ये सब लगता है तो हमेशा याद करो, आपको याद होना चाहिए कि ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए था, ये वाला ये एल्डिहाइड में नहीं बदलता है, आप याद करो ये कीटोन बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनाता है ना, वाटर से रिएक्शन कराओगे ना, वाटर से रिएक्शन कराओ, आप याद करो यही तो रिएक्शन थी जब प्रोपाइन लेते थे, जब प्रोपाइन लेते थे इस कंडीशन में तो सेम कंडीशन में क्या बनता था, एसीटोन बनता था, याद करो।
ये बनता था, नहीं बनता था। ठीक है, और अगर एसिटाइलिन लेते थे तब? पहले ये बनाते थे और इसके बाद में इसको रीअरेंज करते। ये कीटोन बनता था, ये एल्डिहाइड बनता था, याद आया कुछ नहीं? चलो, आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। हेलो हेलो, हेलो, आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था भी, एक बहुत लंबा प्रश्न पूछा था, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मैंने इतना प्यारा प्रश्न पूछा, आपने आंसर ही नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अगर ये कंपाउंड हम ले लेते हैं, अगर ये कंपाउंड हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कब? जब इसको हम H2SO4 से ट्रीटमेंट करते हैं, है ना? कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? रिंग पे OH आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। कंसंट्रेट डाल रहे हो तो एल्कीन में तो कन्वर्ट होगा, रिंग पे कैसे OH आ जाएगा? OH नहीं आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ध्यान दो, डबल बॉन्ड आएगा। ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड आएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बताओ बस। चलो हम बताते हैं, देखो अगर गर्म करोगे तो ये H2 निकल जाएगा, तो कंडीशन नंबर 1 ये बनी भाई, ये हो गई आपकी अल्फा पोजीशन और ये हो गई आपकी बीटा, तो कंडीशन नंबर 1 की ये भी बन सकता है, कंडीशन नंबर 1 की ये बन सकता है, यहां ले आए ठीक है, और यहाँ से H निकाल दें तो डबल बॉन्ड हम यहाँ पर शिफ्टिंग कर दें, अल्फा बीटा, सॉरी बीटा ये होगा, गामा ये होगा, बीटा पोजीशन से निकाल दो तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ठीक ये बन सकता है। इसको रीअरेंज करा दो तो भी संभावना है, डबल बॉन्ड इधर भेज दो तो H यहाँ चला जाएगा, तो इसका
का मतलब है कि नेक्स्ट कंडीशन में प्रोडक्ट ये भी संभव है कि यहाँ CH3 हो जाए और बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाए, और उसके बाद ये भी संभावना है कि बाद में ये रिंग कन्वर्ट हो जाए किसमें, कि आइसोमर बना ले अपना, यानी कि साइक्लाइजेशन इसका हो जाए, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। मतलब सभी बन सकते हैं, ऑल आर पॉसिबल, ऑल प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। इनमें से कोई भी पेपर में आए आंसर आप लिखेंगे, सभी सही है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कोई भी एग्जांपल अगर पेपर में आए तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सिस्ब्यूटुइन ऑन ब्रोमिनेशन gives number 1 meso compound, racemic mixture, plus form, minus form. जब सिस्ब्यूटुइन की रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो मीजो कंपाउंड बनता है। नीलम बता रहे हैं, खुशबू बता रहे हैं, बाकी लोग बताइए। जी भैया बी बता रहे हैं, रेसमिक मिक्सचर बनता है। ठीक, बिल्कुल 100%। संजीव जी जो है मीजो रेसमिक बता रहे हैं। आपको बता देता हूँ, सिस जो है हमेशा प्लस माइनस रेसमिक मिक्सचर देता है और ट्रांस मीजो देता है। ठीक है संजीव जी, नमस्कारम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, अगर यही ट्रांस होता तो मीजो मिलता, ट्रांस होता तो मीजो मिलता, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अच्छा था, आपको जवाब देना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। और दो क्वेश्चन और कराऊंगा आज की इस कक्षा में आपको। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके प्रोडक्ट का नाम आपको बताना है। जब ये रिएक्शन करता है बेंजीन CH3 CH2 CH2Cl से एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति, ऑप्शन आपके सामने है। पहला एन प्रोपाइल बेंजीन, दूसरा ऑप्शन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तीसरा ऑप्शन है केबल प्रोपाइल बेंजीन, और चौथा ऑप्शन है नन। आपको पता होना चाहिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है क्योंकि पहले जो प्रोडक्ट बनेगा वो रीअरेंज होके स्टेबलाइज हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर AlCl3 जो है
वो रिएक्शन करता है CH3 CH2 CH2 से, तो फिर मान के चलिए कि ये बनाएगा ये वाला कंपाउंड Cl, यानी ये बनाएगा ये वाला कार्बोकैटायन CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव Al Cl 4 नेगेटिव। अब ये रीअरेंज हो जाएगा तो ये बना देगा CH3 CH पॉजिटिव और CH3। ये जाकर के बेंजीन में लग जाएगा। जब ये बेंजीन में लग जाएगा तो मतलब ये हुआ कि बेंजीन से रिएक्शन करेगा ये वाला CH3 CH CH3, ये पॉजिटिव, ये जाएगा अटैक कर देगा, बना देगा बेंजीन, और यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ CH3, ये बनेगा। ठीक, इम्पोर्टेंट है। और आज की इस कथा का लास्ट प्रवचन, 10th क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। प्रोडक्ट आपको बताना है। संजीव भाई, आपसे जवाब चाहूंगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जवाब आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बताएंगे। जी, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो ये है। ऑप्शन नंबर बी सेकंड मान लो। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, बताइए। बोले भाई, आंसर वैसे मेरे हिसाब से इसका संजीव जी सी होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन। कारण ये कि डबल बॉन्ड अंदर मेंटेन रहेगा, सी ऑप्शन आएगा, अंदर वाला डबल बॉन्ड आप नहीं हिला पाएंगे मेरे हिसाब से, सी ही आएगा, क्योंकि लिंडलार कैटलिस्ट केवल सिस प्रोडक्ट देगा और सिस वाली कंडीशन अंदर ही नहीं बनेगी, बाहर ही बनेगी, यही आना चाहिए। यहाँ CH3 लगा लीजिए, आपके मन में अगर जरा भी भ्रम लगता है तो यहाँ CH3 लगा लीजिए। कुछ नहीं है, अगर लिंडलार कैटलिस्ट है तो डबल बॉन्ड जहां पर है, ये डबल बॉन्ड है ना, यहीं पर सिस बनाना पड़ेगा।
जब आप रिएक्शन कराओगे H2PDBSO4 की, तो रिडक्शन हो जाएगा। और हमेशा PDBSO4 का काम होता है ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना, ये काम होता है। बी ऐसा नहीं है, बी में डबल बॉन्ड अंदर नहीं है, अंदर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ अंदर डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, ट्रिपल बॉन्ड को डबल में कन्वर्ट करेगा और सिर्फ प्रोडक्ट बनाता है, तो बाकी तो ये वैसा ही रहेगा, बाकी इसमें कोई चेंज थोड़ा ना होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये ऐसे हुआ, ये जो बॉन्ड आपका ट्रिपल दिख रहा है ये डबल हो जाएगा, डबल हो गया, इसमें हाइड्रोजन लग जाएंगे ऊपर, और नीचे आपका मिथाइल लगा लीजिए, बस हो गया, यही प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, चलिए इतना रखना है आज, बाकी कल से लगातार क्वेश्चंस 50-50 की शीट लगाऊंगा, 50-50 क्वेश्चन शीट पर डे चलेगी अब झारखंड एग्जाम तक। ठीक, ओके बाय। क्लास डेली नाइट में ही होगा 9 बजे से, दिन में कोई क्लास नहीं है, नहीं आप डाउट में ना रहिए, कंफ्यूजन में ना रहिएगा। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।